ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਣ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਾਓ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਜੋਗੀ ਲੈ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण हान। प्रोग्राम आज किरण हान के साथ। नाज़रीन, फ़न और फनकार हमारे माशरे का आगाज़ होते ही उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं और लोगों की उदासी को दूर करते हैं अपने फ़न के ज़रिए। आज मैं लावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ सितारों के पास मौजूद हूँ जो एक ड्रामा लेकर आ रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो। इस ड्रामे का मकसद क्या है, या ये ड्रामा एक सबकआमोज़ ड्रामा है या इंटरटेनमेंट के लिए, ये आज हम जानेंगे। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं असलम भट्टी साहब, इनसे जानते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं कि जो ड्रामा है एक बार मुस्कुरा दो, इसका मकसद क्या है? मैंने जितने भी ड्रामे किए ना, तो मकसद को ऊपर से कुछ नहीं डाला, सामने रखा, उस पर काम किया। तो हर उस ड्रामे का जो मकसद ये होता है, उसका फ़ायदा ही होता है, उसका नुकसान ही होता। तो एक और भी मेरे जहन में बात है कि गम और आम की इस दुनिया में मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी हो गई है। तो ये मैं इबादत के तौर पर करता हूँ इसको, तो उसके लिए मैं जब लिखता हूँ तो जहन के और लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए मेरी बात उनके शोर में उतर जाए। तो ऐसा बहुत हुआ है कि मुझे कामयाबी मिली। अब जैसे लोग मीडिया जैसे लोगों का तारुफ तामनों में हासिल होता है, उसकी वजह से ड्रामे जो है हमारे क्लिक करते हैं, कि बग़ैर मकसद के मैं समझता हूँ तहरीक का कोई मकसद नहीं होता। तो मैंने जब लिखना शुरू किया था तो एक लाइन जो है ना, उसने मुझे बड़ा मुतासर किया था। कुरान पाक की वो आयत है, उसका मकसद ये था, अल्लाह ने जब कहा कि मैंने कलम को कसम खाई, जब उसने कलम, अल्लाह ताला ने कलम की, तो पता चल गया कलम बहुत मुतबर चीज़ है, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो मकसद मेरे इस ड्रामे का ये था कि एक जगह मैं मौजूद था किसी जगह, तो वहाँ जेब तराशी हो गई थी, तो जिसकी जेब तराशी हुई थी उसके बहुत बुरे हालात थे। उस पॉकेट में उसकी माँ की दुआओं की पर्ची थी और उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने कहा ये जेब तराश बंदे क्यों हैं? तो मैं इसके लिए फिर लाहौर गया, जेब तराशों से मिला, उनकी बातें सुनी। तो उनके इर्द गिर्द जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, उन्हें बिठा के मैंने ये ड्रामा लिखा। तो इसमें हमारे बिग कास्ट रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, जिनमें हमीद बाबर साहब हैं, जो फखरे पटवार हैं, हमारा मान है, और फखरे पटवार तो लोग कहते हैं, तो मैं उसे फखरे पाकिस्तान कहता हूँ और इस पर यकीन भी रखता हूँ। तो वो बड़ा बहादुर फनकार है, और कुछ लोग अंदर से फनकार होते हैं, उसमें से एक फनकार वो है। तो वो मेरी चॉइस है इस ड्रामे के लिए। इसके बाद सोफिया अली काम कर रही हैं, इस वक्त वो भी मंजर पर हैं और शब रोज़ काम कर रही हैं। तो इसके अलावा जितनी भी कास्ट है, तो वो मंजीर कास्ट है, लेकिन इसमें कुछ नए चेहरे भी आप देखेंगे। तो नए चेहरों में नैना मलक आ रही है हमारे साथ, हिना गुल हैं, रोशनी मलक हैं, इस तरह के और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो उसे हम ऐसी कौन सी शख्सियत है जो ये ड्रामा पेश करने में मामूल साबित हो रहे हैं, क्या कहते हैं आप? मेरे सारे ये दोस्त हैं, जिसे मैं इशारा भी करूं ज़बान से, ना भी करूं तो वो मेरे साथ चल पड़ते हैं, और मैं उन पर फ़ख्र कर सकता हूं। और यही वजह कि जब भी मैंने प्ले किया है, उसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। मीडिया वालों का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और मैं इस ड्रामे के बारे में यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं है, यकीन है कि वो मेरा साथ देंगे, और इस पर भी मेरा ईमान है कि ड्रामा लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से लिखता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ अपने काम में। वो नहीं कर ऐसी बात नहीं करता कि लोगों को तकलीफ़ हो। बहरहाल ये है कि मेरे साथ रमीज़ राजा साहब हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, और उन्होंने शब रोज़ मेहनत की है, और मोहित भट्ट प्रोड्यूसर हैं, ये पहली बार स्टेज की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले मेरा इन्होंने लिखा हुआ ड्रामा था एहसास, वो सीरियल उसके तैयार कर चुके हैं, तो अभी इन्हीं दिनों में होने रोने वाली है। इनका नाम मोहित भट्ट, मैंने कहा था जोर शाह हमारे सरपरस्ते आला हैं, तो ये बहुत बड़ा नाम है। अभी इन्होंने हाल ही में अच्छे प्ले दिए हैं, कामयाब तरीन प्ले। तो इस वक्त हमारे फील्ड में जो सर फरिश्त प्रोड्यूसर हैं, जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, वो जोर शाह साहब हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी आप बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। कमर शाह ग्रामी DOP हैं, वो भी आजकल मसरूफ़ तरीन है, तो कोशिश की थी कि वो हमारी महफिल में से मौजूद हों, लेकिन वो इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हमारे तमाम आर्टिस्ट बड़े बिजी हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सोफिया का मैंने नाम लिया, और हमीद बाबर साहब हैं, अमर चौधरी साहब, जालक अली साहिबा हैं, लियाकत शाह साहब, हिना गुल साहिबा,
तहसीन जमाल हूँ शरारती फ़ख्र जमान रोशनी। नाज़रीन अब हमारे साथ फ़न की मारूफ शख्सियत मौजूद है लियाकत शाह साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक बार मुस्कुराते और ड्रामे के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। इसमें दोनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप देखें जेब कुतरों का एक टॉपिक है तो लाजमी बात है कि उसमें मजाक भी होगी और उसके साथ साथ जेब कुतरों के हवाले से एक मैसेज भी होगा कि उसमें हो सकता है तालीम के हवाले से हो कि अगर पढ़ा लिखा इंसान हो तो उसको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो बाज़ दफ़ा वो भी जेब कुतरों की तरफ चल जाता है, लेकिन जेब कुतरों के हवाले से साथ साथ मैसेज तो ज़रूर होगा कि कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी हमने रिहर्सल शुरू नहीं की है। तो मुझे ये सिर्फ बताया गया कि जो हमारे बहुत सारे जेब कुतरे हैं उनका मैं उस्ताद हूँ, उनको जेब कुतरे करने का मैं सिखा रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह आगे जब चलेंगे तो पता चलेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं आमिर चौधरी साहब, इनसे जानते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक बार मुस्कुरा दो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ड्रामे में बेशुमार मुस्कुराहटें हैं, और क्योंकि एम असलम भट्टी साहब जब भी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। एक पहले प्ले मैंने इनका किया, उसमें बहुत मेहनत की इन्होंने मुझ पर, अनतहाई मुश्किल ड्रामा जिसमें हमारे बड़े सीनियर कास्ट यहाँ की रावलपिंडी की काम कर रही थी, और उसके बाद एक बार मुस्कुरा दो में मैं छोटे उस्ताद का करेक्टर कर रहा हूँ, जैसे लियाकत शाह साहब बड़े उस्ताद का मेरे वालद साहब हैं और मैं छोटे उस्ताद जिसमें अहम बात पिक पॉकेट मेरा उसमें जुमला है जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह भट्टी साहब के बकौल के बहुत कामयाब जाएगा। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर ज़हूर शाह साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं एक बार मुस्कुरा दो के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं और इसका टाइटल एक बार मुस्कुरा दो ही क्यों रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार मुस्कुरा दे के बारे में तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कि उसकी वजह यह है कि उसके जो राइटर है एम असलम भट्टी, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े बड़े फनकार उनके हाथों से फील्ड में आए हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं है, और इंशाल्लाह 24 दिसंबर को वो हम प्ले लेके आ रहे हैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले होगा। उससे पहले भी ये काफ़ी स्टेशंस पे इनका वो स्क्रिप्ट हो चुका है, नेफ्टिक में हो चुका है, पीएनसीए में हो चुका है, मतलब कामयाब ड्रामों में से एक ड्रामा है असलम भट्टी साहब। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रमीज़ राजा साहब, इनसे जानते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहते हैं एक बार मुस्कुरा दो के हवाले से? जी एक बार मुस्कुरा दो ये एक ऐसा प्ले है जो कि 24 दिसंबर को पंजाब आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। इसके राइटर हैं मेरे उस्ताद मोहतरम एम असलम भट्टी साहब, और उन्हीं की ज़ेर निगरानी जो है इसे मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, और इसमें जो कास्ट है हमीद बाबर साहब हैं, फ़खरे पोठवार, लियाकत शाह साहब, झलक अली, आमिर चौधरी और नूर शरारती, इस तरह से हमारी कास्ट है इसमें ना। तो इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है जो कि हम ऑडियंस को देना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पहले भी एम असलम भट्टी साहब के बेशुमार अनगिनत प्ले किए गए हैं जिनमें बहुत अच्छे मैसेजेस थे, और अब ये जल्द एक इंशाल्लाह 24 दिसंबर को पेश किया जाएगा। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं मोना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे एक बार मुस्कुरा दो के हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर असलम भट्टी साहब का कि उन्होंने मुझे कास्ट किया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टेज का। तो बाकी एक बार मुस्कुरा दो का मतलब ये है कि मैं बार बार मुस्कुराएँगे, जहाँ तक आई होप सो, आई मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि भैया ना जो भी इस ड्रामे को प्ले को देखेगा वो वाकई बार बार मुस्कुरा के ही जाएगा। और बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है स्टेज प्ले का। तो कैसे, मतलब क्या फीलिंग है आपकी, फ़र्स्ट टाइम आप स्टेज पे जा रही हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल तो, बाकी अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्ज़मान साहब, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप क्या सुनना चाहेंगी? मैं तो ये सुनना चाहूँगी एक बार मुस्कुरा दो जो ड्रामा आ रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इसके हवाले से सबसे पहले तो मैं असलम भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरा बहुत टाइम के बाद रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में मुझे मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे आर्ट काउंसिल में प्ले करने का एक चांस मिल रहा है।
तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, एक बार मुस्करा दो ड्रामे का जो स्क्रिप्ट था बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने भी एग्री कर लिया है। और इस काम के लिए हम लोग खूब दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप सबको देख कर मज़ा आएगा। नाजिन, अब हमारे साथ मौजूद है फ़न की दुनिया का बड़ा नाम, लोगों को एंटरटेन करने वाले सदाकत मुगल साहब, आर्टिस्ट हैं, इनसे जानते हैं एक बार मुस्करा दो के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी सदाकत मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार मुस्करा दो, बहुत खूबसूरत नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि एम असलम भट्टी साहब इसके राइटर हैं और मैं थे। ये ड्रामा एक मुकम्मल स्टोरी है, इसमें कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, यानी कि इस ड्रामे में हर चीज़ देखने वाले को मिलेगी और इंजॉय करेंगे, और ये एक यादगार प्रोग्राम होगा हर देखने वाले के लिए। वो कहेंगे कि वाकई ये हमने प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल की लाइफ में ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अरशद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप एक बार मुस्करा दो के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि असलम भट्टी साहब अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी पहली टैली फिल्म मैंने की थी, एज ए राइटर थे, मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया, और इनके दो ड्रामे मैंने काम भी किया, स्टेज प्ले थे। और इस टीम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी टीम है, नए कास्ट भी इसमें शामिल है। हमारे आमिर चौधरी साहब इसमें टाइटल कर रहे हैं, मोना जी एक फ़र्स्ट टाइम ड्रामा कर रही है, अच्छी आर्टिस्ट हैं, फ़खर साहब हैं, और उसके अलावा बेशुमार आर्टिस्ट हमारे सोफिया जी हैं, हिना गुल जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनका ये ड्रामा अच्छी कामयाबी हासिल करे। नाज़रीन, अब हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं मोहित भट्ट, इनसे जानते एक बार मुस्करा दो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार मुस्करा दो, ये एम असलम भट्टी साहब की बड़ी अच्छी तहरीर है। इससे पहले एम असलम भट्टी साहब के साथ मैंने एक सीरीज़ पूरी की है, उसे कहते हैं चैनल के लिए एहसास नाम से, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो एम असलम भट्टी साहब की राइटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने जो उनसे नेक्स्ट उनके साथ फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ स्टेज का, तो अल्लाह खैर करे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ अली असदी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझे अपना ड्रामा, जो इनका स्टेज ड्रामा है, उसकी ओपनिंग पर बुलाया। तो आपको एक सरकार की शान में नाज़ शरीफ सुना रहा हूँ। ठर गए नैन वेख के, 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 ओ नैन वेख के, ठर गए 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 नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के, ठर गए नैन वेख के, ठर गए नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है तहसीन जमाल साहब, इनसे जानते हैं कि एक बार मुस्करा दो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो ड्रामा एक बार मुस्करा दो, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एम असलम भट्टी साहब का लिखा हुआ है, ज़बरदस्त एक ड्रामा है। तो भट्टी साहब के जितने ड्रामे हैं इससे पहले, इनसे मेरे ख्याल में अच्छा कोई राइटर मुझे नज़र नहीं आता, तो इनके जितने ड्रामे फैमिली ड्रामा होते हैं, और इनमें जो इनके जो करेक्टर हैं, मैंने एक दो ड्रामों में पहले भी काम किया इनके, तो जो किरदार हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसका प्लाट बनाते हैं, और कहानी जो है वो दिलचस्प होती है, और ख़ासतौर पर फैमिली ड्रामाज होते हैं। तो इस ड्रामे की जो है एक बार मुस्करा दो, उसके डायरेक्टर जो है रनीज राजा साहब हैं, और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर हैं वो मोहित भट्ट साहब हैं। तो ये सारी टीम, इसके अलावा कास्ट बहुत अच्छी है, इनकी अमित बाबर साहब हैं, सोफिया हैं, झलक, काफ़ी सारी टीम है, बहुत सारे अच्छे नाम हैं, आमिर चौधरी साहब हैं,
तो मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। तो लियाकत शाह साहब हैं, बहुत सारी यानी कि अच्छी टीम है और आपको एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़रूर आएँ। 24 दिसंबर को ये ड्रामा हो रहा है शाम 6 बजे आर्ट्स काउंसिल में, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, तो लाजमी इस ड्रामे को देखिए। तो मैंने सुना है कि आप भी मेकअप भी करते हैं, तो क्या कहते हैं इस हवाले से, कुछ शख्सियात की मेकअप तो करके दिखाएं जी। अगर आपने भी सुन लिया तो इसका मतलब मैं कुछ मशहूर हो गया हूँ। तो मिमिक्री बस ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसलिए मैं अक्सर जगह परफॉर्म करता रहता हूँ। किसके आप जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें से किसी की अगर सुनना चाहते हैं तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर सबसे टॉप है तो वही है। मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको तब्दील लाकर दिखाऊंगा। आपने अभी तक मेरा वो रूप नहीं देखा जिसके साथ आपको तब्दीली नजर आएगी, बस आपने घबराना नहीं है। आप शेख रशीद को भी बताएं। देखें जी, आप मेरे साथ बैठी हैं तो मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं है और ये ड्रामा जो है बहुत अच्छा ड्रामा है और कोशिश करूंगा मैं भी हूँ और इस ड्रामे को देखूँ। पटी साहब बहुत जबरदस्त राइटर है। नवाज शरीफ इतना अच्छा नहीं होगा, शुभाष शरीफ हो जाएगा। आपको आपको ये माइक मेरे सामने से हटा दें वरना मैं इसको ऐसे ऐसे मार के आपको गिरा दूंगा। मैं ये कहता हूँ ये ड्रामा एक बार मुस्करा दो, आप एक दफा मुस्कराएं तो सही, लेकिन खान साहब आपने इस कौम की मुस्कान छीन ली है। बिलावल भुट्टो दरबार, एक बार मुस्करा दो, आपको चाहिए कि आप जो खान साहब ने आपकी जिंदगी में तलखियां शामिल कर सिक्कियत होती है, जैसे जुगनू है, जैसे फूल है, जैसे सितारा है। अब मैं आपको वो पंजाबी की नज़म सुनाता हूँ जो नज़्म मर्रा है, ये नज़्म अपनी शक्ल सूरत साथ में गदाई है। बना लैन जाते बना लैके आते पाँदे तो पैंती नहीं, लाँदे तो लैंती नहीं, लै जाए तो दूसरी बारी पहाड़ झोंकी रहती नहीं। बनैन मैं देंगा पाओ कितने पै जाए, लाओ कितने लै जाए तो दूसरी बारी पहाड़ झोंकी रह जाए। नाज़रीन, तो आपने देखा एक बार मुस्कुरा दो ड्रामे के हवाले से जो यहाँ पर फनकार मौजूद थे, सितारे मौजूद थे, उन्होंने किस तरीके से कमेंट्स किए। तो ज़रूर ये ड्रामा आप लोग भी देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।